सर्वधर्म सम्मेलन बताए थे, और उसको एक मुसलमान ही आयोजित करा रहा था। वैसे तो उसने तो वैसे हमारा ही साथ दिया था वहाँ पर। हाँ, बहुत दुर्गति की थी मुसलमानों की। और वहाँ तो इतना हो गया था ना, नारा लगने लगे थे पाकिस्तान जिंदाबाद के। हाँ, मैंने एक एक बात का खंडन कर दिया था उसका, जो मौलाना जो किया था ना, एक एक बात का मैंने खंडन कर दिया था। और वहाँ पुलिस कम थी, लोग उतना नहीं अनुमान लगाए थे ना कि ये सब भी होगा। ये सब लोग तो सम्मेलन में हाँ 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 करके चल जाते हैं। और तो मैं जब ऐसे, तो मैं ऐसे बोलता हूँ, लेकिन जब प्रहार में करता हूँ तो मैं बहुत आक्रामक हो जाता हूँ। हाँ, उस वक्त जो है फिर पूरा मैंने सारा उसका उतार दिया। अब मुसलमान सब पूरा एकदम तो, लेकिन वो जो जो संचालक था, आयोजक था, वो सब खुद मुसलमान थे। स्थिति को तुरंत संभाल ली, वे लोग तो जानते हैं ना उनकी कमजोरी को। तो वे कहे कि ऐसा है कि आप लोगों में जो सबसे बुद्धिमान है, जो नारा लगा रहा है पीछे, उसको भी मौका मिलेगा और उसको मैं बुलाऊँगा बारी बारी से आप लोगों को यहाँ हॉट सीट पर। आप लोग बैठ करके उस महाराज का जवाब देंगे। आप जब सुने ना वैसा और नारा छोड़ के भागे कि वहाँ से चिल्लाना और यहाँ बैठ के बोलने में कितना अंतर समझ में आ जाएगा। जाहिले ने चिल्ला। हाँ, वही बताया कि वहाँ बैठ के चिल्ला रहे हैं और जब यहाँ बैठ के बोलेंगे ना तब अंतर समझ में आ जाएगा। तो भाग, हम लोग का नमाज का टाइम हो गया है, चलो चलो। उसके बाद वहाँ से खिसक लिए। अच्छा गुरु जी, उसको फोन लगाए किसको? नहीं, आप कुछ मत कीजिए, ऐसे मत। ना, 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 ना। तो फिर वही गलती होगी। जो इस दिन हमको बंद कराया, उसके रात को आया फोन किया हमको कि 35 बरस में एक झापड़ नहीं मारे थे और आज हमको मार दिए। कौन? लड़का, हमारा लड़का। वहाँ किसको झापड़ मार दिया? हमने मार दिया। तो आपने गलती किया ना ये? नहीं, हम ऐसा है ना, आपने गलती किया। हाँ, जवान लड़के को झप्पड़ नहीं मारा जाता है। पहली बार, चाहे वो बच्चा रहे या चाहे वो, मतलब पहली बार मैं हाथ छोड़ा। देखिए, आपने हर मामले को बिगाड़ दिया, बनाने को नहीं। बहुत बना है, बहुत नहीं, नहीं, आप शुरू से बिगाड़ रहे हैं। आप नहीं, बात को समझते नहीं आप। उसको तर्क आप नहीं दे पाए। अपने को लगता है कि सही किए हैं, लेकिन सही नहीं किए। आप तर्क उसको नहीं दे पाए इस्लाम के खिलाफ में। आप उसको तर्क, आप उसको प्रेम से, हमने बार बार कहा कि आप उसको तर्क से या प्रेम से, आप जबरदस्ती उसको कर रहे हैं। जबरदस्ती कोई चीज़ नहीं, जबरदस्ती करने का मतलब है आप कमजोर हैं। फिर वही जैसे मुसलमान हमको कहता था कसाई खाने में काट देंगे, वही वाली बात थी। तर्क से उसको नहीं ना जी, तर्क आप जबरदस्ती खाली करते थे उस। अच्छे, जब से हम जाने हैं उसे तो आप जुल्मी सिद्ध हो जाएंगे। वहाँ कहेंगे देखो तेरा बाप भी तुमको मारता है, जुल्मी है। वही हुआ है, समय हो गया। तो उसने रात को फोन करके 11 बजे, आपने बहुत गलती कर दिया ना। 11 बजे वो भी आपको मार देगा, इसमें क्या है? अरे, उन लोगों को सिखाया जाता है। हाँ, मार दो, काट दो। अरे, फाड़ दिया हमारा सर। तो वही मैंने कहा ना आपको, वो कर देगा। लेकिन रात में फोन करके कहा, जब वहाँ से आया ना, तो रात में फोन किया, 35 बरस में आप नहीं मारे थे और मार दिए 35 बरस में उनको। हमको यही कि बेटा, अगर हम बीच में मार दिए होते ना तो आज ये नौबत नहीं होती। बस सिर्फ ये कहे। नहीं तो आप वो सब मार दिए होते तो ये नौबत नहीं होती। आपको कहना चाहता, आपको अगर हम समझा दिए होते तो ये नौबत नहीं होती। आपको मैं समझा नहीं पाया। हाँ, मार दिए होते नहीं, आप उसको समझाए होते तो ये नौबत नहीं आती। और आप नहीं समझा पाए क्योंकि आप खुद नहीं समझे थे। एक दिन लाइए भाई, चलिए आ जाओ। पहले तो अभी आप आए ना, आ जाएगा, उसमें आप नहीं रहिएगा। नहीं ना, 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 आप नहीं रहिएगा। वो उमेश ले आएगा किसी तरह से जी। हाँ, मिला लेगा। इधर उधर की बातें होंगी हल्की फुल्की, कोई हड़बड़े नहीं है कि एक मीटिंग में ही सब हो जाए। नहीं नहीं उसके साथ समय लगेगा। हाँ, समय लगेगा, पुराने समय होगा। आपने इतना बिगाड़ दिया कि धीरे धीरे मामला बहुत बिगाड़ दिया है ना। अब धीरे धीरे उस पर चर्चा होगी, किसी न किसी विषय पर इनडायरेक्ट चर्चा हो जाएगी। तब उसके बाद रहे हैं तो वो खुद समझेगा। डायरेक्ट नहीं उसे पूछा जाएगा कुछ भी। ना ना ना, ऐसा नहीं, इनडायरेक्ट चर्चा होगी। जी, उसको ऐसे उमेश पूछ लेगा उसके बदले प्रश्न, महाराज जी भूत होता है, नहीं होता, क्या होता है, सुनते ऐसे। इस तरह से करके हम लोग धीरे धीरे
उसको लगना भी नहीं चाहिए। अब उसको अपने तरफ जब तक हम नहीं मिलाएंगे वो तो उधर मिल गया है ना, जब तक हम अपने तरफ उसको नहीं मिला हमारी बातों पे वो नहीं तर्क करना सोचेगा तब तक वो नहीं समझ पाएगा। उसका माइंड को लॉजिकल बनाना है, वहाँ उसके माइंड को कुंठित कर दिया गया है, इस्लाम में वही कुंठित कर दिया है। जब उसका माइंड लॉजिकल होगा, लॉजिकल रीजनिंग होगी, सोचना शुरू करेगा, तब जा करके उसमें समझ पाएगा। ऐसे नहीं होगा, आप उसको जबरदस्ती थोड़ी ऐसा कर देंगे। डॉक्टरों के पास जाने के बाद भी कुछ डॉक्टर क्या कर लेंगे, ये बेचारी समस्या है ना भाई, रोग रहेगा तब ना, रोग नहीं है सर, फोबिया की जो है तो बेचारी कुछ नहीं है बेचार, अगर रोग विचार का है तो उसका इलाज भी बेचारी है, विचार का इलाज विचार होता है, विचार का इलाज दवा कभी नहीं होती है। विचार की दवा अगर है तो प्रयास कर रहे हैं, बिल्कुल झूठे प्रयास कर रहे हैं, कभी भी उसको डॉक्टर से मत दिखलाइए, डॉक्टर क्या करे भाई। जब उसके पास कोई रोग नहीं है तो डॉक्टर कुछ नहीं करेगा, रोग का इलाज होगा ना, घटिया विचार का उपचार जो है बेहतर विचार से होता है। आप उससे अच्छा बात करेंगे, विचार जब उसको देगा, जब उसके तर्क से काटेंगे, जब आपकी बात को समझ तब वो होगा। मैं शुरू से आपको बताया बात, कल परसों भी मैंने आपको इतना समझाया सुबह, चीज़ों को जब तक आप उसको नहीं करेंगे ना तो चीज़ें, आप जिस तरह से आप ठीक है, आप भावनात्मक रूप से ले रहे हैं, आप सोच रहे हैं जल्दी फल्दी सब कुछ हो जाए जी, जी लेकिन ऐसा नहीं होगा। पिता के नाते उसको सोच रहे हैं ना आप, आपको पिता के नाते नहीं सोचना है ना, ना इस्लाम में जानते हैं क्या है, आपको इस्लाम का सिद्धांत नहीं पता है ना इसलिए आप ऐसा सोचते हैं। इस्लाम में है कि जो इस्लाम के विरुद्ध हो जाए, हाँ अगर वो लड़का है बच्चा है मतलब, तो बाप को चाहिए कि लड़का को काट दे, मार दे, जान से मार दे, ये इस्लाम में है, आपको पता ही नहीं है। इस्लाम में एक चीज़ और है, अगर बेटा को लगता है कि बाप जो है इस्लाम के विरुद्ध है उसको मार दे, बेटा का कर्तव्य है बाप को मार दे, काफिर बनाते हैं, समझे, काफिर कहते हैं नहीं, मार दे उसको, उसका उसका इलाज उन लोगों ने ढूंढ रखा है, सोल्यूशन ढूंढ रखा है जान से मार देने का, वही उनका सोल्यूशन है।